नमस्कार, एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ जो घर है इसके बारे में बताना चाहता हूं और इसके साथ साथ जो इस बनते हुए घर में अच्छा काम किया गया है उसको भी दिखाना चाहता हूँ। आप बहुत ही ज़्यादा आइडिया ले सकते हो और कैसे आप कम जगह में जो सीढ़ी है उसे बना सकते हो, उसके साथ साथ कैसे वहाँ पे स्मार्ट वर्क आपको करना है और उसके साथ साथ कैसे आप सीढ़ी वाला जो रूम है उसे पार्किंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, इसके बारे में भी आज मैं आप लोग को पूरा जानकारी देना चाहता हूँ। तो अगर आप अपने लिए घर बना रहे हो या फिर घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ लगने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बनते हुए घर का जो सीढ़ी है उसका साइज़ का। तो यहाँ पे देख सकते हो जो घर के लिए सीढ़ी बनाया जा रहा है 3.5 फीट का यहाँ पे चौड़ाई में सीढ़ी को बनाया जा रहा है। देख सकते हो ये फ्लाइट पार्ट है और 3.5 फीट चौड़ाई इसका साइज़ रखा गया है। मैं एक पार्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए जितना आप यहाँ पे चौड़ाई रखते हो सीढ़ी का वैसा ही है। जैसे पहला फ्लाइट का चौड़ाई आपने 3.5 फीट रखा, फिर दूसरा फ्लाइट का जो चौड़ाई है उसे भी 3.5 फीट रखना है, उसके बाद तीसरा जो आपका फ्लाइट पार्ट है वहाँ पर भी 3.5 फीट आपको रखना है। अगर आपका 2 फ्लाइट पार्ट में है फिर भी आपको जो सीढ़ी का साइज़ है, कहने का मतलब एक जो सीढ़ी का साइज जो आपने स्टार्ट किया वही आपको बिल्कुल लास्ट तक ले जाना चाहिए, ऐसा ही यहाँ पे काम किया गया। लेकिन यहाँ पे जो सीढ़ी बनाया गया बिल्कुल अलग ढंग से बनाया जा रहा है, देख सकते हो बीम से सीढ़ी को बनाया जा रहा है। यहाँ पे पहला फ्लाइट पार्ट है, दूसरा फ्लाइट पार्ट है और ये तीसरा फ्लाइट पार्ट है। यहाँ पे जो शेप का बात किया जाए तो ये सी शेप में बनाया जा रहा है, देख सकते हो सी शेप में यहाँ पे सीढ़ी का काम को किया जा रहा है। और इसके साथ साथ इस घर का जो सीढ़ी है उसके नीचे में कुछ खाली जगह छोड़ा गया है। ये खाली जगह क्यों छोड़ा गया है इसके बारे में भी अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो देख सकते हो इस सीढ़ी के नीचे में कुछ इस ढंग से यहाँ पे एक छोटा सा जगह छोड़ा गया है। दोस्तों, बहुत सारा घर में आपने सीढ़ी देखा होगा लेकिन ज़्यादातर जो सीढ़ी रहता है इस सीढ़ी का जो नीचे वाला हिस्सा रहता है आपने देखा होगा कि वहाँ पे काफ़ी अंधेरा रहता है, लेकिन यहाँ पे वैसा बात बिल्कुल भी नहीं है। ये आप आसानी के साथ देख सकते हो, आप इधर भी देख सकते हो, इधर भी देख सकते हो, या फिर आप देख सकते हो ये साइड की तरफ भी आप आसानी के साथ देख सकते हो। तो इस सीढ़ी के रूम के नीचे में अंधेरा ना रहे इसके लिए यहाँ पे कुछ इस ढंग से काम को किया गया है, क्योंकि सीढ़ी जो आप देख सकते हो लैंडिंग वो हल्का ऊपर की तरफ गया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आपको ऊपर गया हुआ यहाँ पे जो जगह है वो खाली नज़र आ रहा है। हालांकि नीचे में बिल्कुल इसे साधारण और सीधा रखा गया। यहाँ पे आप चाहो तो ग्रिल लगा सकते हो या फिर जो ग्लास आता है ग्रिल के साथ में ग्लास भी आप उपयोग कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि जो आपका घर का सीढ़ी वाला रूम है वहाँ अंधेरा ना रहे, उस जगह को आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सको, जैसे कि यहाँ पर आप चाहो तो 2 से 3 साइकिल है उसे पार्क कर सकते हो, 2 से 3 बाइक जो है आसानी के साथ पार्क कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे जो हाइट है उसका भी ख्याल रखा गया। देखिए यहाँ से तो शुरू बनने सीढ़ी बनने स्टार्ट होता है इस तरीका से, लेकिन फिर यहाँ पे सेकंड फ्लाइट भी दिया गया है ताकि जो हमारा 3rd फ्लाइट हो उसका जो ये हाइट है वो आपको मिल जाए, अच्छा खासा हाइट मिल जाए, ताकि ये जो जगह है उसको आसानी के साथ यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सके। काफ़ी अच्छा यहाँ पे हाइट मिल गया। बहुत सारे घर में आपने देखा होगा कि इस तरीके से सीढ़ी बनाया गया, फिर वहाँ पे ये लैंडिंग आ गया, फिर वहाँ से फ्लाइट पार्ट हो गया। तो यहाँ पे हाइट कम रहता है जिसके कारण आप उसके नीचे वाला जो हिस्सा है उसको अच्छा तरीके से यूज़ नहीं कर पाता। वही लगभग यहाँ पे 10 फीट पर 10 फीट पर बना हुआ है सीढ़ी है और यहाँ पे जो नीचे वाला हिस्सा है इसे आसानी के साथ यूज़ यहाँ पे किया जा सकता है और उसके साथ साथ इस सीढ़ी रूम में अंधेरा भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस ढंग से आप चाहो तो अपने घर के लिए सीढ़ी भी बनवा सकते हो। अगर आप 9 फीट बाई 9 फीट या फिर 10 फीट बाई 10 फीट के आसपास का एरिया है फिर भी आप आसानी के साथ इस तरीके से सीढ़ी बनवा सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चाहते हो सीढ़ी रूम का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना तो इस ढंग से आप सीढ़ी बनवा सकते हो, नीचे वाला जगह का भी इस्तेमाल होगा और यहाँ पर अंधेरा का समस्या भी आपका नहीं आएगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।